नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं विनीत जायसवाल, SP शामली। आप सभी से अनुरोध करता हूं, आज जनपद शामली में कोरोना संक्रमण का पहला पॉजिटिव मामला प्रकाश में आया है, जिसके मद्देनजर पूरे जनपद में लॉकडाउन किया गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने अपने घरों में रहें, इस लॉकडाउन का पूर्णतया सम्मान करें, पालन करें। इस लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, यातायात हर तरह का पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। मात्र आवश्यक सेवाएँ जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप इत्यादि ही खुली रहेंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सिर्फ गंभीर इमरजेंसी की दशा में ही अपने घर से बाहर निकलें और अपना काम निपटाकर जल्द से जल्द घर पर वापस हो जाएं। यह एक अत्यंत ही संक्रामक बीमारी है, जो एक दूसरे से संपर्क में आने से तेजी से फैलती है। इसलिए हम सबकी बेहतरी के लिए आपका घर पर रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर अनावश्यक रूप से आप घरों के बाहर पाए जाएंगे, इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, तो जो भी एक व्यक्ति ऐसा करेगा उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात ध्यान रखें, डॉक्टर्स की टीम, पुलिस प्रशासन दिन रात विपरीत परिस्थितियों में रिस्क उठाते हुए मेहनत कर रहा है ताकि संक्रामक बीमारी को फैलने से रोका जा सके, और यह सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया इस लॉकडाउन का सम्मान करें, इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने में हमारा सहयोग करें और सभी अपने अपने घरों में रहें। धन्यवाद। मिस्टर सर, आप बताएंगे आपका नाम? विनोद कुमार। कौन से गांव से? उमरपुर। अच्छा, तो आपने कैसे सूचना दी कि ये कब आए व्यक्ति? मुझे इनकी लोकेशन मिली ऐसे कि भाई वो दुबई गए हुए हैं और दुबई से वो गांव में पहुँच रहे हैं, तो मैंने इसकी सूचना जो है थाना भवन अस्पताल सरकारी को दी कि हमारे गांव का एक आदमी दुबई से आया और जो है उसका चेकअप कराया गया, जो है कोरोना वायरस के उसमें चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, दुनिया कह रही है कि सावधानी बरतो, तो सावधानी के हिसाब से मैंने इसकी सूचना कर कि भाई इस लड़के को आकर चेकअप किया जाए या बुलाए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजू बोवाड़िया है। तो आपने अभी हाल ही में कहाँ की यात्रा की है? अभी दुबई में गया था, यहाँ से 16 फरवरी में, और मेरा जो फ्लाइट लैंड हुई है दुबई, वो मुंबई शिवाजी महाराज। आप क्या काम करते हैं दुबई में? दुबई के अंदर में होटल रेस्टोरेंट के काम में गया था, वहाँ काम होने के ना होने की वजह से फिर मुझे वापसी में। एयरपोर्ट पे कितने बजे उतरे हैं आप? एयरपोर्ट पे रात में लगभग 8 बजे करीब। वहाँ पे आपका कोई चेकअप वगैरह हुआ है? वहाँ टीम आई हुई थी, महाराष्ट्र टीम, वो हमें अपने कैंप में ले गई थी, वहाँ पे इन्होंने स्कैन किया और दो रात के लिए उन्होंने रखा वहाँ पे, खाना प्रोवाइड किया और हर चीज़ की सुविधाएँ थी। यहाँ जैसे ही आप सुबह 7 बजे आए हैं, सूचना मिली है हमें कि ऐसा कि आप सुबह 7 बजे आए हैं, तो यहाँ आपने आके मतलब किसी डॉक्टर वगैरह से सलाह ली है या डॉक्टर को चेकअप के लिए बोला है? बस सर, अभी मैं तुरंत सुबह ही यहाँ गांव में उतरा हूँ, तो अभी तो कोई चेकअप नहीं करा मैंने। तो आप चेकअप कब कराओगे, जब 2-4 लोगों को और हो जाएगा? मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।